सबको राम राम। मार नाम सुमन भाई जी है। हमारो संज्ञा हूँ हरिओम समूह के हूँ सदैक सचे। हमारो खेत छे 2 एकड़ खेत छे। 4 भैंस छे तो हम खेती में काम करा थे। कपास भी लग रहा है, मक्की लगा है और सब्जी न भी लगा है। गेहूँ भी बोई दिया और अब बरसी भी डाल दी। सब सब्जी ना को काम करा दीजिए। ना साल तो बारिश भी बहुत लेट लगी रही थी, वो पानी भी नहीं पड़तो है। मैं का ही करूँ। और कपास भी लगाया तो कपास और उठाए छोटा छोटा सा रही है। न छोटा ना का साथ साथ जरा बहुत कहीं फलस लगे लो तो उनका पर कीटाणु जितरो छे मच्छर न इड़ तो सब कोई फलस से भी नहीं रहो के आना दे रहा है। तमरा है जासो छेते आओ जीजी हमरा घर में कई क्यों जासो जरा जरा तो कपास रही गयो न कई कई लाल पत्ता हिरा तो कई बढ़तो नहीं कपास। बस इतरो इतरो खाली रहे लो। आओ बस छोटो छोटो बस इतरो इतरो कई ज्यादा बढ़तो भी नहीं न कई नहीं। हमने 10,000 की दवान छिटी न तब भी कहीं को फायदो नहीं मिलतो। तो हमरा घर आवा आशा कही रहे क्या दवा नहीं छिटनो मिला कहीं को फायदो तो रही तो नहीं कहीं वकाशी फसल अच्छी देखा तारो आप छिटा कुर्सी लावो राम राम भाई राम राम। हाँ जी फसल न का सर हमारा यहाँ सब कपास न पड़ने वो नीला मच्छर न धौड़ा मच्छर न वो सब आएगा ना सब असल लाल पड़ी हो कपास सब दवान छिटी छिटी बाज का होगा पर हमारा यहाँ तो कहीं फर्क ही नहीं पड़तो। फसल नमा तुमको कितरो खर्चो लगी जाए। हमको खर्चो तो सर 10,000 की तो हमने दवा न छिटी दी ना और खाद कौन इनको सब अलग तो वो काश कहीं कपास नमन कहीं फसल ही नहीं हो तो फर्क ही नहीं हो तो मेरी ना कपास ना सब हमारा बिगड़ी गयो तीना साल में। तो खर कहाँ से लाओ दवाई तुम। हम राजपुर से दवाई लावत ना वो भी उधार लाऊ तो वो तो सवाई डेवड़ो तो वो लिखी लिया अपने तो वहाँ से दवा लावा अन छिटा ती कहीं नहीं होगा से फर्क पड़ी रहो फर्क पड़ा जरा बहुत ना पचौर वसो को सो कपास ही चाहते। तुमको इतो खर्चो लगा ना कभी हम कम खर्चा वाला एक दवाई बताऊँ तो कम खर्चो का खर्चो नहीं हो काम तो ऐसी दवाई ना भी आवत। हाँ ऐसी दवाई ना जो घड़ो अच्छो रहे सर हमारे पैसो बची जाए नहीं तो तुम करनु चाहोगा ऐसी दवाई को करांगा नहीं असो बिना पैसा वाली दवाई तो हम भी करांग सर। तुम भी करना चाहोगे। अपन हाँ। न का जो दवाई बनाऊ छे वो हाँ। कारण कुछ चीज न की सामग्री की जरूरत पड़ेगा सामग्री तुम तैयार रखोगा हाँ। तो फिर हम कल आऊंगा सुबह और कल हम तुमको वो दवाई बनाने के बारे में बताऊंगा। सर काय लगेगा हमको बताओ। देखो जी एका में एक प्लास्टिक की ड्रम लगेगा हाँ। प्लास्टिक की कोटी अपना गाँव में जो छे ना हाँ हमारा घर छे तुम्हारे यहाँ। हाँ चलो ठीक
तुम्हारा यहाँ छेद बहुत बढ़िया। अब प्लास्टिक की ड्रम अपना का 200 लीटर पानी का लेन जरूरत पड़ा जे काम ये दवाई बनाओ जे काम 200 लीटर पानी 2 किलो गोबर लगत और 10 लीटर अपना का गौमूत्र। गौमूत्र अगर नहीं हो भैंस को मूत भी चली जाएगा, भैंस मूत्र भी चला गो काम। और अच्छे हो हाँ, और ओकाम नीम की पत्ती लगेगा, नीम की पत्ती का अपना का पिसनू पड़ेगा ओका लेन ईमान दस्ता की जरूरत पड़ेगा। तो 10 किलो नीम की पत्ती उपयोग वाटनू पड़ेगा है नी। वो वाटी करी ना फिर ओका में 200 लीटर पानी में 2 किलो गोबर 10 लीटर गौमूत्र और 10 किलो नीम की पत्ती का पीसे लो मिले ना ना ओका रखनू पड़ेगा। कितना दिन तक? तीन दिन तक ओका रखनू पड़ेगा। ठीक है जी, कल अब हम आऊंगा, ये सामग्री की तैयारी करीन रख जो, कल सुबह हम बताऊंगा है नी। राम राम। कितना दिन तक? 8 बजे तक आ जाओगे सर? हाँ जी जी है नी। राम राम। हाँ राम राम। दीदी बहुत अच्छा बताई दिया आपको ना का सर ना कि आप काल आओगे ना, वहां तक तो आपको सब सामान तैयार रखा सर भी आई गया। राम राम जी जी। राम 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 राम। तो कल मैंने जो बताया थो उन्हें मान से तुमने सामग्री तैयार करी गई? हाँ सब सामग्री तैयार। नीम की पत्ती बताई थी वो अभी। चलो अब आप देख ही लिया काई काई चीज तुमने तैयार करी है। सर तुमने काल बताया था नहीं कि नीम की पत्ती ना गोबर ना गौमूत्र ना सब तैयार रख जो, हम तुमको काल बताऊंगा। हाँ हाँ जी जी। हाँ तो वो हमने सब आज तैयार रख के लो। हाँ जी जी। देखो तुमका जो कहो तो उन्हें मान सी तुमने एक तो प्लास्टिक को ड्रम मैंने बताया तुम्हें। हाँ, हाँ। प्लास्टिक को ड्रम एक काम अपन का 200 लीटर पानी भरनु छे है। और उसका बाद में गोबर लगेगा अपन का 2 किलो गोबर लगेगा है नी। और गौमूत्र 10 किलो लगेगा 10 लीटर। और उसका बाद ये नीम का पत्ता 10 किलो लगेगा। एक अपन का पिसनू पड़ेगा है नी। तो जसो तुमने ये ईमान दस्तो ने रखेल छे अपन के वाटी ना फिर अपन 10 किलो एक डालांगा है नी। तो अब शुरू प्रोसेस करा अपन एक पानी नाखनू पड़ेगा अपन का है नी। तो हाँ पानी नाखो जी जी। हाँ जी जी। एक अपन को 2 किलो गोबर डालो। हाँ गोबर डालो कसा हाथ से डालो। हाँ हाथ से डाल दो। डालो जी। हाँ जी जी। अब गौमूत्र डालो। नीम की पत्ती ने कुटेली से वो ले आओ। हाँ, वो डालनी चाहिए। हाँ, हाँ जी जी। अब सामान सब अपन ने डाल दियो। हाँ। अब एक घुमावना का लेन एक डंडो लेना हो। हाँ जी जी ले आओ तो। हाँ। देखो जी जी। हाँ। एक तुमको घुमाऊ तो रहनु छे है नी। हाँ। तो सर कितना बार कितना चक्कर एक घुमाऊ छे कितना दिन लग? एक दिन में 2 बार। एक दिन में 2 बार। हाँ, और 3 दिन तक एक रखनू छे। हाँ। सर एक मुंडो बांध दिन रखनु पड़ेगा ते खुल्ला? नहीं मुंडो बांधने की जरूरत नहीं है, खुल्लो रहने रहने दीजो है नी। हाँ। सर ये दवाई तो गम सारी छे अन फिर एक कई एक पंको भरिन कई छिटनु कई अपन न का यो जो दवाई छे। हाँ। एक छाणनू पड़ेगा। हाँ। और छाणना के बाद पंखा जो छे अपनो दवाई छिटने पंखो। हाँ। तो कम 15 लीटर पानी आवे। हाँ। पानी और 1 लीटर अपन न का या दवाई मिलावनु छे न फिर
जिन्हें भी फसल हो अपना पास हाँ। कोई सी भी फसल में अपन छिटी सका जो है ने? हाँ, सब मिर्ची में भी कपास हाँ, भी सब, सब सब फसल न मिर्ची कपास सब्जी हाँ, है अपन हाँ। सब न छिटी सका और एको है नी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़तो एका से रस चूसक जो कीट रह वो मरी जाए है नी तेलियो चेपियो जो हुआ जो बीमारी ने जो फसल न पर लगे वो नष्ट हो जाए तो ये अपना घर की विधि है या इन्हीं दवाई का सभी फसल न छिटी सको तुम है नी कपास में भी छिटी सको सब्जी न छिटी सको तुम्हारा सोयाबीन हो कहीं की भी फसल से सब फसल न या दवाई काम में आवे सर अच्छो तब ने हमको आसो बताई दियो कि हम सब न पर छिटकार करांगा ना अब कभी सब्जी न भी लगागा नहीं सब्जी न भी फिर तमको अब दियावांगा क्योंकि हमरो दवा खाई दो ही गयो अब हमको बाजार से ना उन पड़ेगी नहीं दवा ना का हम छिटिया करांगा ठीक है जी राम राम जी Thank you.